हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार पांडे आज आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टू पिन सॉकेट, एक स्विच, एक इंडिकेटर। छह सॉकेट है फ्रेंड्स, इसका कनेक्शन करके दिखाएंगे। बहुत ही आसान, जीरो लेवल से आज आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हम जब भी नए वीडियो डालें आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आपको पूरी जानकारी देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे पास ऐसी सॉकेट बन चुकी है। तो अभी एक इंडिकेटर, स्विच, टू पिन सॉकेट, इसका कनेक्शन कैसे करते हैं तो मैं अभी इसका, बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा फ्रेंड्स आप लोगों को। फ्रेंड्स, हमारे पास ये नीचे वाला पॉइंट है और ये ऊपर वाला पॉइंट, तो हमको इसको भी कुछ नहीं करना, हमको नीचे वाला पॉइंट सब एक साथ कुछ इस तरह से इसको लूप करना है। अभी मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमको इस कुछ इस तरह से ऐसे इसको एक साथ लूप कर लेना है। उसके बाद ये दूसरा वाला सॉकेट जो है, ये दूसरा वाला पॉइंट जो है, हमको इसको भी कुछ इस तरह से कुछ इस प्रकार इसको भी ऐसे लूप कर लेना है। तो चलिए मैं इसको पहले काट लेता हूँ। फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान तरीका है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, आप आराम से जी अपने घर पे कर सकते हैं। अगर आप एक चीज जान लीजिए फ्रेंड्स, इसके बाद अगर आपको कोई कितना भी टू पिन सॉकेट मिले आप उसको इसी तरह मतलब ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको कितना भी स्विच सॉकेट मिल जाए आप इसका कनेक्शन कर सकते हैं अगर आप एक बार इसको समझ गए तो। तो चलिए फ्रेंड्स, उसी प्रकार हम ये ऊपर वाला भी पॉइंट जो है इसको भी लगा लेते हैं। तो इसको कुछ इस तरह से वायर को काट लेते हैं पहले। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है, उसी प्रकार इसको भी कुछ इस तरह इसको टाइट कर लेते हैं पहले। और ये दूसरा वाला पॉइंट यहाँ से इसमें लगा लेते हैं, अभी इसको भी टाइट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया। और एक वायर लेके फ्रेंड्स हमको ये वाले पॉइंट से और इधर ये वाले पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा ये पूरा सर्किट तैयार हो गया, ये सर्किट तैयार हो गया, ये सर्किट भी तैयार हो गया। अभी हमको क्या करना है, हमको आप देख लें तो फ्रेंड्स, हमें इसमें क्या करना है, हमको ये इस वाले पॉइंट से एक वायर यहाँ लगा देना है, इस वायर को लगा के अच्छे से टाइट कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें इसको ले जाके यहाँ पे ये वाले पॉइंट में फ्रेंड्स कुछ इस तरह इसको लगा देना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एक सीरीज ये कंप्लीट हो गया। तो अभी हमको एक पॉइंट फ्रेंड्स हमको ये वाले से और ये
यहाँ पे लगाना है। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं। तो हमें फ्रेंड्स ये वाला पॉइंट यहाँ पे कुछ इस तरह इसको ऐसे लगा देना है। तो फ्रेंड्स ये हमारा, आप देख सकते हैं हमारा दोनों सीरीज कंप्लीट हो गया, ये वाला और ये वाला। अभी फ्रेंड्स हमको एक चीज और करना है। फ्रेंड्स हमको यहाँ से वायर एक लेना है, ये वाले पॉइंट से, और इसको ले जाके उनको यहाँ पे। फ्रेंड्स हमें ये वाले पॉइंट, आप देख सकते हैं ये वाले पॉइंट से कुछ इस तरह से वायर ले जाना है और ले जाके इंडिकेटर के ऊपर वाले टर्मिनल में इसको लगा देना है। तो हम इसको लगा के टाइट कर लेते हैं, पहले कुछ इस तरह इसको टाइट कर देना है। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एक इंडिकेटर का, एक स्विच का पॉइंट बचा हुआ है। अभी हमको इसको क्या करना है, हमको एक वायर और लेना है और इस वायर को फ्रेंड्स हमें यहाँ पे कुछ इस तरह, और दूसरा पॉइंट हमको स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में लगा देना है। आप देख सकते हैं ये मैंने लगा दिया। तो फ्रेंड्स बहुत सिंपल सा तरीका है, बिल्कुल एकदम जीरो से। जो भी वायरिंग नहीं कर पाता होगा, कभी बोर्ड को देखा भी नहीं होगा, वो भी बोर्ड बना सकता है देख के। तो इसमें एक बार देखेगा तो दोबारा देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं ये पॉइंट यहाँ से उठा है और यहाँ ला जाके इसको स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में, आप देख सकते हैं यहाँ से ऐसे ऐसे, और ये वायर यहाँ ला के पहुँचा है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से फिर दूसरा वाला पॉइंट उठाइए, यहाँ से यहाँ ले जाके छोड़ दीजिए, ये वाला इंडिकेटर के ऊपर वाले पॉइंट में, और ये दोनों यहाँ लगा दीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सा आसान तरीका है, आप आराम से अपने घरों पे इसको बना सकते हैं। फ्रेंड्स अभी हमको क्या करना है, हमको इसको बाहर के लिए पॉइंट देना है, जो कि बाहर से लाइट आएगी। तो वो लाइट कहाँ पर हमको जोड़ना है ये भी हमें बताता हूँ कि हमको बाहर जो दो पॉइंट आएगा वो पॉइंट कहाँ पे लगाना है। तो फ्रेंड्स हमको ये इंडिकेटर का दो पॉइंट है, हमको इसी दोनों में वो पॉइंट लगा देना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसको लगा देते हैं यहाँ पे। हमको कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, नॉर्मल बोर्ड के लिए आप दोनों बाहर का जो पॉइंट आता है उसको आप कहीं भी लगा सकते हैं, चाहे ऊपर इंडिकेटर के ऊपर वाले में लगाएं चाहे नीचे वाले में लगाएं, कोई भी दिक्कत उससे नहीं होगी। तो हम इसको दोनों को वायर को लगा देते हैं यहाँ पे, एक पॉइंट ऊपर एक पॉइंट नीचे, और इसको अच्छे से टाइट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा कनेक्शन होके एकदम रेडी हो गया है। मैं भी इसको चेक करके दिखाता हूँ कि हमारा कनेक्शन कैसे काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये हमारा हो गया, और मैं भी आपको इसको चेक करके दिखाता हूँ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे इंडिकेटर में लाइट आ गई है, और हम इसको चालू करके देख लेते हैं कि हमारा बोर्ड कंप्लीट हुआ है कि नहीं। तो चलिए मैं चेक कर लेता हूँ इसको। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारी बल्ब ग्लो कर रही है, मतलब मेरा बोर्ड पूरा बन के कम्प्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स आप भी ऐसा वीडियो देख के आप अपने घरों पे बना सकते हैं। ये सारी हमारी सर्किटें काम कर रही हैं, देख लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं। आप आराम से अपने घरों पे इसको देख के वीडियो पूरा बना सकते हैं, लेकिन आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको